ये सर हमारे पास मॉडल है, इस मॉडल का नाम है मयूरी ग्रैंड। इसके सबसे पहले मैं आपको फीचर बता दूं जो कि अदर किसी भी रिक्शे में नहीं आता इसमें सब। अगर आप लोग सोच रहे हो कि लुधियाना में सबसे बेस्ट शोरूम कौन सा होगा ई रिक्शा व्हीकल्स, आपको शोरूम का नेम बताता हूं जो कि है अब बाबा ऑटोमोबाइल्स। आज हम बात करेंगे ई रिक्शा के बारे में, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है ई रिक्शा की डिमांड काफी ज्यादा हो रही है। ई रिक्शा हो गया, ई व्हीकल्स हो गई, मतलब एक्टिवा और बाइक्स, इनकी डिमांड काफी ज्यादा हो रही है मार्केट में। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आज हम इसका रिव्यू नहीं करेंगे, ई रिक्शा और एक्टिवा जो भी है इनका रिव्यू हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल के लिए हम ये जानेंगे कि मार्केट में ये काफी टाइम से लॉन्च हो चुका है, मार्केट में काफी टाइम पहले आ चुका है ई रिक्शा, ई व्हीकल्स जो भी है, एक्टिवा वगैरह सब कुछ मार्केट में बहुत टाइम पहले आ चुका है। तो यार हमें लोगों का रिव्यू देखना है कि लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं, लोगों का इसके बारे में क्या सोच है। ये सर हमारा लोई भी है, बैटरी वन मॉडल है। इसमें हमारे जो पहले फीचर है ये स्पीड पे है, फर्स्ट गियर एंड सेकंड एंड थर्ड, थर्ड गियर में इसकी 45 की स्पीड है और सिंगल बैटरी, इसमें लिथियम आयन की बैटरी है। मिनिमम 2 घंटे 20 मिनट में चार्ज होता है और मिनिमम 50 मैक्सिमम 60 किलोमीटर चलता है। आगे पीछे इसके दोनों डिस्प्ले का आप इसके डिस्प्ले जहाँ तक टू व्हीलर में क्या होता है, आगे हमें डिस्प्ले मिल जाता है बट हमें पीछे डिस्प्ले नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ब्रेक शू डालना है कुछ करना है, एक बार मोटर खुल गया तो उसका फिर गारंटी खत्म हो जाता है क्योंकि कंपनी उसको फिर क्लेम नहीं करता है। इसलिए हमने क्या किया कि यहाँ पे जो डिस्क ब्रेक लगा है ताकि इसको खोलना ना पड़े, इसका हब ना खुले और इसकी लाइफ ज़्यादा है। 3 साल की इसकी बैटरी गारंटी है, मोटर कंट्रोलर कन्वर्टर चार्जर बैटरी 3 साल की गारंटी हम लोग दे रहे हैं। 35 हर्ट रिमोट ऑपरेटर स्कूटर है हमारे, किक से इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें लगा नहीं, हमने रिमोट से ऑपरेट किया और ये किक से स्टार्ट है। 3 मोड है, बैक गियर इसमें है ताकि हम बैक गियर दाब के हम रेज तो गाड़ी भी पीछे चले। मॉडल का नाम स्टोरी है, हाई स्पीड है, इंक्लूडिंग आरसी इंश्योरेंस है। इसमें फ्रेम 2 की कैटेगरी में सब्सिडी भी है जो कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड हमें कराता है। हमारा इसका सर एक्सोरूम प्राइस बढ़ता है 90,000 रुपये, 90,000 इसका एक्सोरूम प्राइस है। ऑन रोड प्राइस इसका हमें 1,06,000 से लेकर 1,10,000 बढ़ता है। इसमें हमें हाई स्पीड है, 12 इंची व्हील है, एंटीथेफ्ट है, ड्रम ब्रेक है, सिंगल चार्ज होता है 3 घंटे 30 मिनट में, मिनिमम 100 और मैक्सिमम 135 किलोमीटर की हमें रेंज देता है, 60 वोल्ट और 52 AC की इसकी बैटरी है, 3 साल की गारंटी है, मोटर कंट्रोलर कन्वर्टर चार्जर और बैटरी जिसको हम कवर करते हैं। ये सर हमारे पास मॉडल है, इस मॉडल का नाम है मयूरी ग्रैंड। इसके सबसे पहले मैं आपको फीचर बता दूं जो कि अदर किसी भी रिक्शे में नहीं आता। इसमें सबसे पहले अलॉय व्हील हमें मिल जाता है जो कि बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है क्योंकि इसमें रिम वगैरह सरदर्दी नहीं होता। इसके जो सर ग्लास है काफ़ी बड़े ग्लास है, जब बारिश आ रहा तो आपको गीले नहीं हो पाओगे आप क्योंकि इसको पूरा कवर करता है इंक्लूडिंग वाइपर है। इसके बाद रिमोट ऑपरेटर ई रिक्शा ही है, इसको भी हम रिमोट से ही ऑपरेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 1, 2 हमारा ई रिक्शा जो है स्टार्ट हो गया है, उसके बाद हम इसे यहीं से बंद कर सकते हैं। इसके जो सर फीचर हैं मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ, ये कैमरी वाली गाड़ी है, मयूरी ग्रैंड है, 1200 वाट का मोटर है, 1200 वाट इसमें कंट्रोलर है। जब हम इसमें बैक गियर डालते हैं चाबी ऑन करके, हमारा कैमरा जो यहाँ पे चल पड़ता है, आप देख सकते हैं ये सिंगल चार्ज 6 से 8 घंटे में होता है, 4 बैटरी 48 वोल्ट में। आपको थोड़ी बैटरी भी दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं इसकी बैटरी, 2 बैटरी हमारी इधर है, 2 बैटरी हमारी पीछे है। इसमें स्पेस भी अच्छा खासा मिल जाता है बंदे को, और अगर हम इसमें बैठते हैं और कोई सेकंड बंदा बैठा है तो यहाँ पे उसको जो लेग है ना एक दूसरे में टच नहीं हो सकती। इसमें स्पेस का हमने बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा हुआ है, इंक्लूडिंग लाइट है ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। प्लस इसमें बैक कैमरा जो मैंने आपको भी दिखा दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल स्टैंड हम देते हैं, आगे हमारा कंट्रोलर है, आगे अच्छा खासा स्पेस है ताकि कोई सामान रखना है कुछ करना है तो यहाँ पे हमें स्पेस अच्छा मिल जाता है। प्लस ये डबल चैसी है, डबल चैसी देख सकते हैं, ये बड़ी चैसी है, इसमें सारी गाड़ियों में सिंगल चैसी आता है, ये डबल चैसी है जिसके अंदर LED हेडलाइट हमें मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा और यूनिक मॉडल लगता है। इसे हम 6 घंटे चार्ज करके मिनिमम 120 और मैक्सिमम 150 किलोमीटर चला सकते हैं।
₹30 में हमारा ये 150 किलोमीटर चलता है, जो कि बहुत ही किफ़ायती है और इसका मेंटेनेंस भी नहीं है, लो मेंटेनेंस है। प्लस हमें इसमें मिल जाता है छत, जो कि अपने रूप स्टील का, इसमें प्लास्टिक का आता टूट जाता जल्दी, इसमें टूटने का सीन नहीं है हमारे पास। म्यूजिक सिस्टम इसमें लगा हुआ है, आप देख सकते हो ऊपर म्यूजिक सिस्टम सारा लगा हुआ है, ताकि बंदा कोई 100 किलोमीटर 125 किलोमीटर 150 किलोमीटर अगर चला रहा है तो उसे दिक्कत ना हो, बंदा बोर हो जाता है। बारिश हो रहा है तो यहाँ पे हमने इसको साइड में कवर दिए हुए हैं, ये कवर से, ताकि बंदा हम इसे कवर कर सकते हैं। आप पीछे का लुक देख सकते हैं, ये सर हमारे पास मॉडल है, इसका नाम है ऑल फाइव। आप देख सकते हैं इसका लुक ही बहुत, ये 5 बैटरी वाली गाड़ी है। मैं आपको पूरा बैटरी दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बैटरी है, प्लस इसका कंट्रोलर भी ऊपर है, ताकि बारिश वगैरह में हमें कोई इशू ही ना आए, कंट्रोल में पानी पड़ गया था कुछ किया तो इस चीज़ से भी हमें आपसे चेक करना। प्लस 3 बैटरी हमें यहाँ पे मिल जाता है, ऑप्शनल स्टेपनी हमें अंदर मिलता है, आगे हमारा कैश काउंटर है। उसके बाद सर ये अलॉय व्हील ऊपर आप देख सकते हैं, लाइट भी लगा हुआ है, रात में जब हम चलाते हैं LED लाइट यहाँ पे फिट किए हुए हैं, ताकि रात में और अच्छी तरह इसे हम यूटिलाइज कर सकें। इंडिकेटर है आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा मॉडल है। हमें यहाँ पे फ्रंट पे भी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, ताकि हमें बैठने में चलाने में कोई भी इशू ना आए। प्लस हमें यहाँ पे इसमें फैन मिल जाता है, वाइपर, म्यूजिक सिस्टम है, सारा कुछ इसमें इंस्टॉल है, ताकि हमें किसी भी चीज़ में इशू नहीं आता है। म्यूजिक सिस्टम आप देख सकते हैं कितना बड़ा पीछे इंस्टॉल है, ताकि हम जब इसको 150 से लेकर 180 किलोमीटर की रेंज पर चलाएँ तो हम बोर ना हो, क्योंकि ज़्यादातर बंदे जब ई रिक्शा चलाते हैं तो बोर हो जाते हैं कि यार हम कितना चलाएँगे, इसलिए इसमें इन चीज़ों का भी खास करके ध्यान रखा गया। ऑल फाइन है, 5 बैटरी में है, 60 वोल्ट है, इंक्लूडिंग वाइपर है, अलॉय व्हील है, जो कि बहुत ही यूनिक मॉडल लगता है। तो जिस तरह आपने देख लिया, मैंने आप लोगों को सभी के रिव्यू दिखा दिए, अब आपके मन का डाउट क्लियर हो गया होगा कि हम ई रिक्शा ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं इस चीज में या फिर नहीं कर सकते हैं। तो चलो यार, इसी के साथ वीडियो यहीं पे खत्म करेंगे। और एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, अगर आप लोग सोच रहे हो कि लुधियाना में सबसे बेस्ट शोरूम कौन सा होगा ई रिक्शा व्हीकल्स के लिए, ई रिक्शा हो गया, एक्टिवा हो गया और बाइक्स हो गए, इनके लिए बेस्ट कौन सा होगा शोरूम, तो मैं आपको बता दूं, प्रॉपर एड्रेस तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल मैं आपको शोरूम का नेम बताता हूं, जो कि है बाबा ऑटोमोबाइल्स, जो कि लुधियाना का बेस्ट शोरूम माना जा रहा है, क्योंकि वो हमारी सर्विस के साथ साथ हमें फैसिलिटीज भी बेस्ट दे रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको रेफर करूंगा, अगर आप परचेस करना चाहते हो ई रिक्शा, ई व्हीकल्स, कुछ भी, तो आप बाबा ऑटोमोबाइल्स पे जा सकते हो।